नमस्कार, पांच की आंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शाम के पांच बजने वाले और हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम पांच की आंच को साथ लेकर, जहां पांच मुख्य खबरों पर सबसे पहले महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। प्रचार रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार की बात करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी फोकस रहेगा, जहां कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए हैं। बात यह भी करेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से महासंग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है, प्रियंका गांधी की चूंकि एंट्री यहां पर हो चुकी है तो किस प्रकार का माहौल है, ये भी आपको बताएंगे। बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां चुनाव से पहले पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त कर लिया है। बात सतना की भी होगी, जहां महियर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ मालगाड़ी के आगे आकर खुदकुशी की है। शुरू करते हैं पांच की आंच का ये सिलसिला। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र के साथ, आज बैतूल पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जनसभा को यहां पर संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, जबकि मोदी की गारंटी सभी गारंटियों की पूरी होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव इतिहास बदलने वाला चुनाव है। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का पंजा छीनना जानते हैं, किस तरह से छीनना है। कांग्रेस आई है जब जब, तब तब तबाही लेकर ही आई है। पीएम मोदी ने आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बैतूल में सभा। अब साधु महात्माओं के पास दोरे धागे के लिए जा रहे हैं, कुछ नसीब खुल जाए। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी। तो प्रधानमंत्री ने बैतूल में क्या कुछ कहा, ये आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री के एक और दौरे को लेकर जानकारी, इंदौर भी आज पहुंचेंगे, यहां पर रोड शो आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात है। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर से खास बातचीत हमारे संवाददाता विनीत कुमार ने भी की है, क्या कुछ तैयारियां सीधे आपको सुनाते हैं। इंदौर में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, इसमें क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसको बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुलिस कमिश्नर है, उनसे हम बात करें। सर, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है यहाँ पर? आज प्रस्तावित रोड शो को मद्देनजर रखते हुए एक्सेस कंट्रोल के इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग्स पर्याप्त कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त हाईराइज और जो खंडहर या जो सुनसान मकान है उनमें फोर्स लगाया गया है, और बाकी एंटी ड्रोन मेजर्स वगैरह लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सर, आप एंटी ड्रोन की बात कर रहे हैं, यानी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग सभी सतर्क हैं इस विजिट को लेकर के। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के नजर रखी जाएगी। कैप्टन विपिन के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 इंदौर। और प्रचार के संग्राम में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी ताल ठोकी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश गुप्ता। आज हम एक खास मेहमान के साथ पूरे दिन रहने वाले हैं, उनका नाम है जीतू पटवारी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में राहुल से विधायक है। आज हम आपको दिखाएंगे कि नेताजी प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, उनकी शुरुआत कैसी होती है, उनकी सुबह कैसे होती है, उनका रूटीन कैसा है, ये सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं कि जीतू पटवारी जब घर से निकलते हैं तो उसके पहले चुनाव की तैयारियां कैसे करते हैं, और आज दिन भर लोगों के बीच वो किस तरीके से जनसंपर्क करते हैं, और जब जनसंपर्क के दौरान पर नेताजी का लंच बॉक्स क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं जीतू पटवारी के घर। अब हम नेताजी के घर के अंदर आ चुके हैं, और ये नेताजी के घर का गार्डन है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नेताजी के घर के अंदर जो गार्डन है यहाँ पर अस्थाई टेंट लगाया गया है,
कार्यकर्ताओं के लिए, जो भी कार्यकर्ता दिन भर नेताजी के साथ जनसंपर्क करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं अलग अलग वार्डों में, उनके बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मीटिंग होती है और यहीं पे कार्यकर्ता जब थक जाते हैं तो आकर आराम भी करते हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि बैठने के लिए व्यवस्थाएं हैं। और इसके साथ एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि इंदौर की पहचान है खान पान से, और इंदौर का मशहूर है पोहे और जलेबी। तो इंदौरी पोहे को अब हम दिखा रहे हैं आपको कि जो जब कार्यकर्ता सुबह यहाँ पर आएंगे और नेताजी के साथ जब वो प्रचार प्रसार निकलेंगे तो उसके पहले ही वो इंदौरी जो पोहे हैं उसका स्वाद चखेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और देख सकते हैं आप ये कि इंदौरी पोहा तैयार हो रहा है। फिलहाल सुबह सुबह का वक्त है और जैसे ही 8:30 बजे का वक्त होता है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं और पोहा जलेबी खाने के बाद यहाँ से नेताजी के साथ उनका जनसंपर्क शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि स्वादिष्ट पोहा बनाने की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बटले हैं जिसे लोग मटर कहते हैं और दूसरी तरफ इसमें आपको नजर आएगा शक्कर है, पोहा है और ये पूरा मिक्स किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तड़का लगाने के लिए व्यवस्थाएं भी कर ली गई है, ये तड़के का सामान रखा गया है और पीछे तैयारियां चल रही हैं। तो इंदौरी पोहे भी बन रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने वाला है और दिन भर ये नेताजी के साथ प्रचार प्रसार करते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ पोहे की तैयारी तो दूसरी तरफ जलेबी की। तो ये नेताजी के घर के अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए पोहे और जलेबी तैयार किए जा रहे हैं। आज एक दिन हम आपके साथ रहने वाले हैं। सुबह कितने बजे से शुरुआत होती है जिंदगी, हमने भी देखा कि आप सुबह उठे और कार्यकर्ताओं को सुबह से भीड़ लगी हुई थी, फिर आप परिवार के साथ कुछ समय बिताते नजर आए। 6 बजे मैं रोज उठता हूँ, 6:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे बाहर आता हूँ, पूरे दिन की समीक्षा 1-1.5 घंटे में करता हूँ, क्या क्या कमी रह गई इलेक्शन में, क्या क्या बाहर की प्रोसेस है, पार्टी के भी और क्या क्या काम है, 7 बजे तक उसको खत्म करता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर मेरी पूजा पाठ थोड़ी बहुत 5 मिनट की करता हूँ और उसके बाद चल देता हूँ। तस्वीर में हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को आप प्यार कर रहे थे, कौन है वो? मेरी नातिन है। अच्छा, तो मतलब सुबह उठे और सीधा नातिन के साथ? हाँ, वो दिखी एकदम से, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, मन प्रसन्न होता है। अच्छा, एक चीज है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, चलने में काफी तकलीफ। मेरे पैर की मसल्स में थोड़ा स्क्रेच आ गया है, थोड़ा उसको बोलते हैं मांस थोड़ा फट गया है, तो दर्द हो रहा है उसका थोड़ा सा। और आज हम जीतू पटवारी जी के साथ में हैं और ये तस्वीर भी आप उनके घर से दिखा रहे हैं कि हमने दिखाया कि किस तरीके से उनकी सुबह होती है, कैसे परिवार के साथ वो मुलाकात करते हैं। और आपने देखा कि जब वो नीचे आए तो सबसे पहले परिवार के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, नातिन को उन्होंने प्रेम किया, उसके बाद रोटी लेकर गाय के ले गए और ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। और आज एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं कि नेताजी की शुरुआत कैसी होती है, सुबह कैसी होती है, किस तरीके से वो जनसंपर्क करते हैं और उनके साथ उनके भोजन में क्या क्या कुछ खास रहता है, देखिए। और फिलहाल जैस गाय को रोटी खिलाने के बाद वो मंदिर पहुंचे घर के और पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के साथ अब वो यहां से फिर जनसंपर्क के लिए निकलते हैं। अब फिलहाल हम जीतू पटवारी के किचन तक पहुंच चुके हैं और आप दिखा रहे हैं कि सुबह का वक्त है और लगभग अब सुबह 9 बजने वाले हैं और देख सकते हैं कि अब जनसंपर्क के लिए निकलने वाले हैं और क्या कुछ उनका सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कढ़ी है, भिंडी की सब्जी और आप माँ हैं? अच्छा, बड़ा इस वक्त सुबह निकलते हैं, रात तक आते हैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे ऐसा हो। बेटे के लिए क्या कहें, कितना गर्व महसूस होता है कि जीतू पटवारी आपके बेटे हैं? बहुत गर्व है मेरे को। कैसे कैसे तैयारी रहती है आप लोग सुबह से कि वो जाने वाले हैं? सुबह से निकल जाते हैं हम भी, आज थोड़ा लेट हो गए हैं। अच्छा, और वो भी सुबह जल्दी निकल जाते हैं 7 बजे से, तो बस सेवा कर रहे हैं लोगों की। जीतू पटवारी गाड़ी में बैठ चुके हैं, जनसंपर्क के लिए निकलने वाले हैं और आज हम भी उनके साथ जनसंपर्क में जाने वाले हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे चुनावी की, किस तरीके से वो जनता के बीच जाते हैं और जनसंपर्क में जब लोगों के साथ मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं, क्या होते हैं चुनावी मुद्दे। चलिए ये सफर हम शुरू करते हैं जीतू पटवारी के साथ। आपका रूट प्लान कब तय होता है कि आप सुबह निकलने वाले हैं, आपको किस किस कॉलोनी में जाना होता है, ये कब पता चलता है, आप ये तय कब करते हैं? ये तो पहले से स्टाफ तय कर लेता है, बातचीत कर लेता है। हाँ। आपस में प्रोग्राम बनता है, हर व्यक्ति का प्रोग्राम अपना बनता है, खुद बनाता है या उसके सहयोगी बनाते हैं, तो मेरे सहयोगी बना देते हैं। अच्छा, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, एक दिन में
कितनी प्रयासरत आपको कि कितने लोगों के बीच पहुंच पाए, कितने वार्ड तक जा पाते हैं आप? मैं रात को 12-12.30 बजे तक लोगों से मिलता रहा रात को। मुझे बाहर भी जाना पड़ता है आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसियों में, फिर और भी लोग भी बुलाते हैं प्रदेश में, वहां भी जाता हूं। तो मेरे पे जब यहां रहता हूं तो बहुत प्रेशर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं। तो मैं लगभग 30-40 बूथों पे, 20 बूथों से ऊपर ही रोज जब यहां रहता हूं तो पूरा संपर्क कर पाता हूं। या बूथ वाइज मीटिंग लेना है, पब्लिक से मिलना है, तो जगह 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 मीटिंग होती है। आप अक्सर कहते हैं मेरी विधानसभा मेरा परिवार, ये जो बातें हैं आप क्यों कहते हैं? इसलिए कहता हूं कि इनके कारण हूं मैं। लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि सब लोग सो के सो आपके साथ आ जाए। परिवार में इस तरह की धारणा बनती रहती है कि कुछ लोग आपके विचार से एग्री करते हैं, कुछ अनएग्री करते हैं, पर अनएग्री करने वाले भी परिवार का हिस्सा है। मैं बीजेपी कांग्रेस के भेद को मिटाता हूं और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जिम्मेवारियों का एहसास होता है, तो जिम्मेवारी लेने की परंपरा है ये लोकतंत्र। और मैं जब जिम्मेवारी लेने की कोशिश करता हूं तो जो लोग मेरे अगेंस्ट है, मान लो वो मेरे विरोधी थोड़ी है। इसलिए मेरी विधानसभा मेरा परिवार, उनके दुख में सुख में हाथ पकड़ के वो मुझसे बात कर सकते हैं, वो परिवार का ही व्यक्ति कर सकता है। तो ये एहसास, साइकिल पे चलना कोई मेरा शौक नहीं है। मैं तकलीफ में रहता हूँ तब भी साइकिल पे इसलिए चलता हूँ, मेरे परिवार के लोगों को ये पता लेना चाहिए कि हमारा विधायक पूरे देश में बने, उसको मान सम्मान मिल रहा है, हमारे कारण मिल रहा है, उनके कारण मिल रहा है। और वो मान सम्मान के प्रति मतलब एक आदर्श और स्नेह ये है कि मैं उनके जैसा दिखूं, इसलिए मैं साइकिल पे हूँ। मधु वर्मा जी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वह कहते हैं कि वो दिखावा करते हैं, साइकिल में घूमना ये सब चीजें वो वीडियो बनाने के लिए करते हैं। अब उनको मैं वो शायद उनको मैं चूंकि परिवार कहता हूं तो उनकी बुराई कैसे करूं, पर राजनीति में उनको ऐसा कहना पड़ता है। पर वो भी जानते हैं कि सुबह 5 बजे उठना और रोज 12-1 बजे आने के बाद भी लोगों से मिलने की कोशिश करना, इसमें समर्पण होता है। ये बात कि दिखावा, स्वास्थ्य की भी एक दृष्टि होती है उसमें कि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे, पर मैं नहीं मानता हूं कि दिखावा एक दिन हो जाएगा, दो दिन हो जाएगा, 10-20 साल थोड़ी हो सकता है। अब 10-20 साल से साइकिल चल रही तो 10-20 साल दिखावा करूंगा? ये मतलब ये आई डोंट नो मैं कैसे कहूँ इसको, पर धन्यवाद उनको। कुछ राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी के लिए उनको कहना चाहिए, वो कहते हैं। आपके विरोधी जो है वो कहते हैं कि जीतू पटवारी साथ में दिग्विजय और कमलनाथ जी नहीं है। यार इसको उनको कैसे पता चला ये? मुझे तो नहीं पता। मेरे साथ में दिग्विजय सिंह साहब है, मेरे साथ में कमलनाथ जी हैं, और दिग्विजय सिंह साहब मेरे मतलब पिता तुल्य हैं, बहुत बचपन से मेरे को उनका आशीर्वाद मिला और आज तक है। और जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, पहली बार उन्हें मंत्री बनाया, हर संकट में उन्होंने मुझे आगे किया, हर अच्छी बातों में वो मुझे इन्वॉल्व करते हैं। अभी टिकटों के वितरण हुआ है, रोज बात करते थे मुझसे, डेली बात होती थी। मैं मानता हूँ अभी रोज परिस्थितियां पॉलिटिकल कुछ होती है तो हमारी आपस में बातें होती है। अरे मेरे कॉल डिटेल मेरे विरोधी निकाल ले, एक दिन ऐसा जब कमलनाथ की जी की और मेरी चर्चा नहीं हुई, नहीं पता है, रोज होती। कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं और कमलनाथ जी और दिग्विजय जी को उन्होंने धन्यवाद भी दे दिया। अहंकार अहंकार रावण का भी नहीं रहा, लंका सोने की थी जल गई, अमृत था उनके पेट में रावण के, वनवासी राम ने उनका अंत कर दिया। और भगवान राम एक आदर्श प्रतिमूर्ति बने आम जनता की आवाज के, आम इंसान की आवाज के, वो रावण रूपी भाषा है, हमारी राम रूपी भाषा है। हम जीतेंगे 100% जीतेंगे, 155 सीट ला के जीतेंगे। और मैं कैलाश विजय जी को आमंत्रित करता हूँ, वो शपथ में कमलनाथ जी की जरूरत है। बड़ी संख्या में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, कौन सी सब? ये नूरानी नगर एक जगह है हमारी, और मैं मानता हूँ कि आज अच्छा जनसंपर्क यहाँ होगा। तो चलिए तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जनसंपर्क की, काफी देर तक हमारी बातचीत हो गई। और ये देखिए कि लोग पहले से इंतजार कर रहे थे और जीतू पटवारी जो है वो पहुंच चुके हैं नूरानी नगर पे, वो देख सकते हैं आप इधर। दूसरी तरफ तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो रहवासी जो लोग हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे जनसंपर्क के लिए, और जनसंपर्क यहाँ से उनका शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जनसंपर्क की, और जीतू पटवारी का जनसंपर्क चल रहा है, और इस बार कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक बस्ती से ले
अल्पसंख्यक जो जहाँ समाज के लोग रहते हैं वहाँ से लेकर बस्तियों तक जाएंगे। जैसा जीतू पटवारी ने कहा कि अल्पसंख्यक जहाँ जो समाज के लोग हैं वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसके बाद बस्तियों भी जाएंगे और कांग्रेस इस बार लोग घर घर जाकर दीप जलाएगी और उनके साथ त्यौहार मनाने वाली है। जनता के साथ आपका क्या कनेक्शन है, जहाँ पे जाते हैं भारी भीड़ नजर आती है? लाड प्यार दुलार प्रेम अपनत्व भाईचारा, उनके लिए कुछ देने की भावना और अपने आप को समर्पित करने का भाव, ये सब कुछ जनता से मुझे जोड़ते हैं। और मेरा मैं समझता हूँ पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है वो भी एक अपने आप काम करता है। मैं मानता हूँ कि बहुत प्यार मिलता है, अद्भुत मिलता है। आप उन नेताओं में से है जिन पर बीजेपी लगातार काउंटर करती है, क्यों? ये तो बीजेपी से पूछो, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं उनकी कमियों को बताना लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व होता है, मैं उनकी कमियां बताता हूँ, वो मुझसे नाराज होते हैं। अगर मैंने कोई अननेसेसरी कमी बता दी तो मैं गुनहगार हूँ, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी करते हैं, मैं कभी भी उसका भी प्रतिरोध नहीं करता हूँ। आपकी विधानसभा का खुद का क्या आकलन है, कितने हजार वोट से आप चुनाव जीतेंगे? नहीं, हजार का मैं नहीं बोलता हूँ, 500% प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। संख्या बताना अहंकार का परिचायक है और मैं अहंकारी नहीं हूँ। आपके ऊपर आशीर्वाद किसका है? जनता का। मेरा परिवार मेरा विधानसभा, अक्सर आप कहते हैं। ये नहीं कहता हूँ, मेरी विधानसभा मेरा परिवार कहता हूँ। हमारे साथ जीतू पटवारी थे, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और हमारे साथ आज दिन भर रहे और नेताजी के साथ हमने जनसंपर्क किया, लोगों के बीच हम भी मौजूद थे और देखा कि क्या कुछ है जीतू पटवारी और जनता का कनेक्शन। मेट्रो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, News18 इंदौर। और आइए अब आपको दिखाएंगे खबरों का 2020। झाबुआ में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले जब जब कांग्रेस आई तबाही लाई। इस चुनाव